फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो एक भाई को सीधा तमाचे का काम करने वाला है और उनसे मैं सीधा सवाल करने वाली हूँ कि आप मेरी लाइफ में इंटरफियर करने वाले होते कौन हैं, या आपसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि किसी के निजी जिंदगी में आप दखलंदाजी देने वाले होते कौन हैं। थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से नाम के लिए कोई इतना गिरता है क्या? तो फ्रेंड, आपने सिंपली यहाँ पे देख चुके हैं पहले कि सिंपली यहाँ पे आकाश ने सिंपली टेक ऐश्वर्या पे एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वह टेक ऐश्वर्या टेक चैंपियन की गर्लफ्रेंड है। उसको वीडियो देखने के बाद सिंपली टेक ऐश्वर्या ने उनको जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया जो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। उन भाई के चैनल का नाम है आकाश हेल्प। इससे पहले भी वो भाई रोस्ट कर चुके हैं मेरे ऊपर। उन्होंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसने बताया था कि टेक ऐश्वर्या टेक चैंपियन सपोर्ट सर की चमची हैं। उस पर मैंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया पे सभी लोग अपना व्यू सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए उल्टे सीधे रोस्ट करते हैं, तो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट इन भाई ने अभी तो हद ही कर दी मेरे भाई। इन्होंने कहा कि टेक चैंपियन सपोर्ट की टेक ऐश्वर्या गर्लफ्रेंड है। एक बार सोच लेना चाहिए, उस सप्ताह उनकी लाइफ में इस वीडियो की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि वो सप्ताह उनकी यह वीडियो आकाश हेल्प ने जो वीडियो बनाई थी, वो सप्ताह उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। किसी पर कमेंट करने के लिए, उस पर वीडियो बनाने के लिए एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे आकाश हेल्प ने बताया कि सपोर्ट की गर्लफ्रेंड टेक ऐश्वर्या है। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। सोच लेना चाहिए, हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए आपकी कोई बहन है, वो सिंपली यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, अगर हो सकता है लाइव में कभी देख सके उनकी उनका जो वीडियो हो सकता है जब वीडियो, तो हो सकता है कि आप क्या आप तभी यही बोलेंगे कि मेरी बहन अब मेरे टेक चैंपियन की गर्लफ्रेंड है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इसलिए किसी के ऊपर कमेंट करेंगे पहले एक बार जरूर सोच लीजिए, क्योंकि वो YouTube पे जो सक्सेसफुल यूट्यूबर होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं टेक चैंपियन, क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो अगर वो YouTube पे कितना मेहनत कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें लाइफ में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे टेक ऐश्वर्या को भी देख सकते हैं, सिंपली वह YouTube पे लगातार 2 सालों से मेहनत कर रही हैं, क्योंकि कोई छोटी बात तो है नहीं कि कंटिन्यू कोई यूट्यूब पे 2 साल तक वीडियो बनाए। यहाँ पर ज़्यादातर पर्सन यहाँ पर 2-4 महीने मेहनत करने के बाद ही यूट्यूब छोड़ देते। वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि उनकी एक मेरी लाइफ है, वो शादीशुदा है, उनके पास 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी वो 2 साल तक यूट्यूब पे काम करती रही। उसके बाद भी आपको उनका सपोर्ट करने की जगह आप उन पर उंगली उठा रहे हैं, उन पर वीडियो बना रहे हैं, हेट फैला रहे हैं, तो सिंपली आप ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका YouTube पे सक्सेस होना तो बहुत दूर की बात है, आप हो सकता है आपका वीडियो चैनल भी डिलीट हो जाए। क्योंकि किसी पे उंगली उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए, क्योंकि आप जो उनके बारे में बोल रहे थे, हो सकता है कि वही सब आपकी बहन के साथ हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए किसी पर उंगली उठाने के बाद एक बार जरूर सोच लीजिए। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस पर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही है फिर गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। क्योंकि किसी के ऊपर उंगली उठा रहे इससे पहले एक बार अपने आप को जरूर देख लेना चाहिए। आप खुद ही सोच सकते हैं कि टेक ऐश्वर्या यहाँ पे टेक ऐश्वर्या यूट्यूब पे 2 सालों से कंटिन्यू मेहनत कर रही है। अगर 2 सालों की मेहनत करने के बाद अगर उन्हें भी जा रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर जो यूट्यूब पर यूट्यूबर होते हैं यहाँ पे 2-4 महीने साल वो होते होते वहाँ पर बहुत से लोग यूट्यूब को छोड़ के चले जाते हैं। हमें जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके बारे में हेट फैलाना चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।